स्टूडेंट माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय ने स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय में एडमिशन प्रवेश प्रक्रिया हेतु आदेश जारी किया है, तो इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर इस नोटिफिकेशन को टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करें, लिंक पर डिस्क्रिप्शन पर है। प्रदेश में 171 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं तथा सत्र 2022-23 से 32 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय संचालित किया जाना है। उक्त दोनों स्कूलों में शिक्षा सत्र 2022-23 के लिए कक्षाओं में छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया जाना है, जिस हेतु निम्नानुसार कार्रवाई की जावे। इसका पहला, प्रवेश हेतु आवेदन की तिथि कब तक आवेदन कर पाएंगे, तो 5 अप्रैल से शुरू होगा, अंत होगा 30 अप्रैल तक। अधिक आवेदन की स्थिति में लॉटरी के माध्यम से सीट आवंटन कब से कब तक होगा, 1 मई से 5 मई तक होगा। एडमिशन की अन्य आवश्यक कार्रवाई 5 मई से 10 मई तक है, कुछ दिशा निर्देश दिए। इसका पहला पॉइंट है, इन विद्यालयों में प्रवेश हेतु ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है। जो आवेदन होगा वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड से किया जा सकेगा। दूसरा, एक विद्यार्थी एक विद्यालय हेतु ही आवेदन कर सकेगा। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में राज्यों में पूर्व से चल रहे 152 प्राथमिक तथा 153 पूर्व माध्यमिक शालाओं के छात्र छात्राओं को कक्षा 6वीं एवं कक्षा 9वीं में प्राथमिकता से एडमिशन दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार महतारी दुलार योजना के अंतर्गत कोरोना महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को विशेष प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाएगा। एडमिशन हेतु आवेदन पत्र के साथ पालक का मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक कक्षा में रिक्त सीट का 50% छात्राओं का चयन किया जाएगा। बालिकाओं की पर्याप्त संख्या नहीं मिलने पर बालकों से सीट भरी जा सकेगी। बीपीएल एवं आर्थिक रूप से कमजोर पालकों के बच्चों को कुल रिक्त सीट के 25% सीटों के विरुद्ध प्रवेश दिया जाएगा। तो पालकों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। तो ये 6ठा पॉइंट है आपका। 7वें पॉइंट पर दिया गया है, कुल रिक्त पदों के 25% सीटों पर आवेदक बच्चों का प्रवेश लॉटरी सिस्टम से होगा, अर्थात कंप्यूटर के माध्यम से रैंडमली चयन किया जाएगा। तो जल्दी से आपको आवेदन करना है। 5 अप्रैल से शुरू होगा एडमिशन की प्रक्रिया, 30 अप्रैल तक चलेगा। अधिक आवेदन अगर स्थिति हुआ तो 1 मई से 5 मई तक सीटों का लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया जाएगा। तो आपको जल्द से जल्द इसमें आपको आवेदन करना होगा, इस तरह से आपको दिया गया। तो ये सारे आप पढ़ सकते हैं, नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। किस तरह से आपको आवेदन करना है अगर इसकी जानकारी भी चाहते हैं तो कमेंट पर मैसेज कर देंगे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में मदद मिल सके, हेल्प मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू।